Rawalpindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेतु यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान फाइनली इन द सेमी फाइनल एंड एट द सेम टाइम दे हैव प्रूव मी रॉन्ग और पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ थैंक्स टू नेदरलैंड। नेदरलैंड आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने क्या फेंटी लगाई साउथ अफ्रीका को और फिर साउथ अफ्रीकन्स यू लिफ्ट इट अप। आई एम नॉट गोना से दिस वर्ड चोकर बट यू हैव लिफ्ट इट अप टू इट और आपने ये साबित कर दिया कि बना बनाया टूर्नामेंट सामने पड़ा प्लेटे पड़ा हुआ था लेके डेवेस्टेटिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन। किसी टीम ने डोमिनेट नहीं किया इस टूर्नामेंट में, सारे ही बुरे खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, इंग्लैंड लुकिंग एट नॉट लुकिंग एट इज बेस्ट, पाकिस्तान हैज प्लेड द बेस्ट क्रिकेट बट टुडे इन लास्ट टू मैचेस पाकिस्तान हैज डन वंडर्स। अब मसला ये रह गया कि हमने इंडिया से दोबारा मिलना है कि नहीं। हाँ जी, आप कह रहे थे हम बाहर हो गए हैं, अभी ठहर जाएं, अभी आपने आपसे दोबारा मिलना है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल पहुंचती है या कहीं सेमीफाइनल में दोनों बाहर होते हैं तो बड़ा मजाक पड़ जाएगा। बट अगेन आई एम सेइंग दैट के इंशाल्लाह पाकिस्तान इज सेमीफाइनल नाउ और पाकिस्तान नीड्स टू विन अगेंस्ट। अब डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे खेलना चाहता है, जीतता है तो इंग्लैंड से, हारता है तो न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान इज गोन अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो हमसे घबराते हैं। अब देखें क्या बनता है। तो अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होता है। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी यही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेमीफाइनल से बहुत फंसते हैं, बहुत हारते हैं हमसे। बट अगेन पाकिस्तान हैज़न्ट प्लेड द बेस्ट क्रिकेट। बट ओपनर्स की बात करें, हमारे ओपनर्स फंस के खेल रहे हैं। बाबर के पास चांस था, अच्छा आराम से खेलता, फॉर्म वापस लेके आए। थोड़ा बाउंस का प्रॉब्लम हो रहा है उन दोनों को कि ये शारजा तो भाई है नहीं, यहाँ बॉल बाउंस करता है, फ्रंट फुट पे कमिट कर जाते हैं पहले आके। बट अगेन हारिस थैंक यू बॉस, सारा मैच हमने आप पे डाल दिया था, जा बेटा अंदर जा और कर हमारे लिए, लेकिन ही इज़ डन वेल। शान मसूद का क्रेजियस डिसीजन, मैनेजमेंट वेल डन यूसुफ, बैटिंग ने प्रूव किया, थैंक यू मैथ्यू हेडन, सकलैन यू डन वेल वंडर्स, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। मैनेजमेंट ने प्रेशर लिया और मैनेजमेंट ने प्रूव किया कि वो अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। यही होता है जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो मैनेजमेंट भी फिर अपने फोर्स के साथ आती है। यूसी कीप गोइंग और बैटिंग की बात होगी। शाहीन अभी भी एब्सोल्युटली फिट नहीं लग रहा, पूरा वो तगड़ा जैसे होता ना वैसे नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि इंजरी से जब वापस आता है फास्ट बॉलर, वो कभी भी कंप्लीट यू नो लुक अपार्ट नहीं लगता, लेकिन ही हैज टेकन विकेट्स, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसका और मुझे लगता है कि शाहीन इससे आगे चल के और बेहतर हो सकता है। बट शाहीन नीड्स टू मेक अगेन द हिस्ट्री बाय इन लास्ट टू गेम्स बाय बॉलिंग एट हिज बेस्ट ऑफ हिज करियर, दो ही डजेंट लुक कंप्लीटली फिट, बट अगेन इट्स ओके। बाकी नसीम एंड हारिस दे आर डूइंग वंडर्स, तो आपको पता ही है। हमारी स्पिन लाइनअप न्यूजीलैंड को बसाएगी और मसला पड़ेगा न्यूजीलैंड को। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, ये ना हो कि इंडिया भी वापस आ रही हो एक फ्लाइट में, दूसरी फ्लाइट में पाकिस्तान भी वापस ना आ रही हो, ये ना हो। आई वॉन्ट टू सी इंडिया पाकिस्तान फाइनल और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा पता किसको आएगा, ब्रॉडकास्टर को और ICC को। शो बताइए यूट्यूब चैनल अभी ऑल टेक। एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर।